हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं मोनिका, आप देख रहे हैं राव फैमिली ब्लॉग्स। एंड आज का जो ब्लॉग है उसका स्टार्टिंग हो रही है दिन के टाइम से। सो अभी वैसे तो लंच टाइम है, बट आज हमने बाहर से ऑर्डर किया है। सो हमने मंगवाई है चाउमीन और मोमोज। सो वो आ तो गए हैं, अभी ओपन करते हैं, देखते हैं इनके साथ में क्या क्या चीज़ें मिली हैं। सो सबसे पहले तो इसमें हमें मिले ये कुछ मीठा खाने के लिए है, जो कि लास्ट पे खाते हैं। सो दो पैकेट मिले हुए, ये इनको रखो इधर। और उसके बाद ली ये ग्रीन चटनी, शायद क्या होता है बड़ा, टिश्यू पेपर मिले हैं। और इसमें क्या है, इसमें होंगे हमारे मोमोज, फ्राइड मोमोज। और इसमें है हमारी चाउमीन, हमने ऑर्डर करी थी। सो ये दो चीज़ें हमने अभी ऑर्डर करी हैं। गिरे हमारे मोमोज, जिनका साइज़ मुझे बहुत ही ज़्यादा छोटा सा लग रहा है। नॉर्मली हम लेके आते हैं ना, खुद से जब लेके आते हैं तो वो सही रहते हैं जो हम खाते हैं। ये मैंने फर्स्ट टाइम ही ऑर्डर करे हैं। और वैसे रेड चटनी होती है, बट इनके साथ ग्रीन चटनी मिली हुई है हमें। तो देखते हैं भी टेस्ट करके कैसे हो रहे हैं। चाउमीन तो ख़त्म हो गई, बट ये बच रखा है सब्जी होगी। पार्टी तो गई हमारी, आज ये मीठा है इसमें, तो लास्ट में मीठा देते हैं थोड़ा सा खाने के लिए। सो ये है इस पर कुछ मीठा है, एक तो अभी ने पकड़ा हुआ है एक पैकेट, एक ये मेरे पास, तो अभी ये खाएंगे हम। फिनिश कर दिया, ये फिनिश हो गया, नहीं आ रहा ये तो अभी ने हमें दे दे के फिनिश कर दिया पूरा ही, खाली इतना सा तो है ही। पर हम हैं और हम रेडी होते हैं मार्केट जाने के लिए, क्योंकि हमें सब्जियाँ वगैरह लेके आनी है, फ्रूट्स वगैरह। और अभी रेडी हो गई है, अभी भी रेडी है, अभी लेट उठती है और काम वाम भी चलता रहता है। अभी जा रहे हैं वो भी अपने घर, तो इसलिए लेट हो जाता है मार्केट जाने में। सो भी चलते हैं, वो भी चले गए शायद, अभी तक आवाज़ें आई थी, अभी चले गए हैं। और चप्पल भी उल्टे पहन रखे हैं गंदी। चलो चलो जाओ नीचे, चलो ओ बटे, चलो आ रही हूँ। अभी आधा सामान तो ले लिया हमने, पानी वगैरह लेना था अभी के लिए, और अभी जा रहे हैं हम सब्जियां लेने, फिर वहां से सीधे घर ही चलते हैं। तो अभी हम घर पहुंच चुके हैं, थोड़ा सा टाइम हो गया हमें घर आए हुए। और अभी तो वैसे टाइम हो रहा है 7:30 हुए नहीं, अभी 7:30 होने वाली है। सो भी वही खाना बनाने का टाइम भी हो ही रहा है, सो खाना पीना बनाएंगे। और काम भी लगभग हो गया है घर का, मतलब बाहर काम हो गया है, ज़्यादातर हो गया है बाहर, गेट के आगे का काम हो गया है। सो काम लगभग हो गया है, बट 3-4 दिन हो गए, मतलब काम चल रहा है 3-4 दिन से। सो आधा तो हो गया, अभी 1-2 दिन शायद और लगने हैं, 1-2 दिन वैसे लगेंगे। और जो पत्थर वगैरह वो सेट कर रहे हैं, उनको सेट करने में फिर कुछ मशीन से ऊपर से भी करते हैं, पता नहीं क्या क्या होगा। तो वो भी करना है, कुछ दरवाजे हैं वो अभी चेंज करने हैं बाहर के। सो अभी टाइम तो मतलब काम तो भी है, बहुत काम है। सो 3-4 दिन तो भी और लगने हैं, और 3-4 दिन से ऐसे हालत हो रखी ना वो, क्योंकि मशीन से वो कट करते हैं, मतलब ऐसा हो जाता है ना, मतलब दिन भर उसी चक्कर में ब्लॉग बनते नहीं, क्योंकि उसी की आवाज़ें आती रहती हैं। मतलब 3-4 दिन से परेशान हो रखे हैं उसकी आवाज़ें सुन सुन के। बट ये काम भी हो रहा है साथ साथ, तो काम तो सही है, बट वही आवाज़ इतनी ज़्यादा आती है ना, बट तो हो ही नहीं पाता कुछ भी। 3-4 दिन से सोई भी नहीं हम दिन में, मतलब वैसे तो मैं नॉर्मल सो जाती हूँ, बट कई बार वो पानी वगैरह मांगते हैं, चाय पानी वगैरह वो सारी चीज़ें करनी होती हैं। और अभी यहाँ पे फ्रूटी पी रही है, सो कह रही है आ नहीं रही फ्रूटी, ये लो आ गया भाई पियो। तो ऐसे मतलब ऐसे हो जाता है काम वाम। बाकी लंच वगैरह करने तो वो घर जाते हैं अपने, यहीं शायद पास में ही रहता है, तो लंच वगैरह करने तो घर जाते हैं। हाँ आ रहा है, ठीक है पी लो पी लो। सो
वो था। और ये भी मैं चेंज करवा के लेके आई हूँ, ये मशीन की डोरी मेरी ये मैंने चेंज करवाई है, क्योंकि जो भी 3-4 दिन पहले मैं लेके आई थी ना, उसका साइज़ तो उससे ज़्यादा हो रहा था, तो उससे बड़ी थी वो दूसरी वाली मशीन की थी। ये नॉर्मल मशीन की जो है ये वो वाली है। सो आज चेंज करवा के मतलब 3-4 दिन से मार्केट तो गए, बीच में 1-2 बार ही गए, बट वही लेके जाने में भूल जा रही थी घर से जो बड़ी वाली थी। तो आज मैंने सोचा मार्केट जा ही रहे हैं और यहीं पास में ही है, सो फिर इसको भी लेके चली गई मैं साथ में। मैंने कहा चेंज करवा के लेके आऊँगी। सो ये अभी मशीन में लगवाई नहीं है 1-2 दिन से, मैं हाथ से ही चला रही हूँ वैसे नॉर्मली, नहीं तो कपड़े वगैरह सिलने में, क्योंकि अभी मेरे को आदत हो गई है पैर वाली मशीन के। तो हाथ से ना ऐसा होता है कि टाइम ज़्यादा लगता है, हाथ दर्द करने लगता है, दोनों हाथ फ्री रहता है ना तो ज़्यादा जल्दी काम हो जाता है। सब मुझे वैसे आदत हो गई है, तो हाथ से मेरे को थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग रहा है और मन भी नहीं कर रहा फिर हाथ से सिलने का, तो इसलिए मैंने सोचा डोरी वगैरह लेके। सो ये भी मैं लेके आ गई हूँ। बाकी अभी खाना पीना बनाएंगे, सो अभी तो देखते हैं क्या बनाते हैं। दिन में भी ऐसे ही नॉर्मली था, मतलब बाहर से मंगवा लिया था, सो फिर अभी देखते हैं। अभी सोच रही मैं दाल चावल बनाऊँ, क्योंकि दिन में भी नहीं बनाया। आराम से पी लो बा, दिन में बने नहीं थे दाल चावल, तो सोच रहे अभी बना ले, क्योंकि कल भी नहीं बनाया हमने दिन में, कल भी ऐसे पुलाव टाइप बना लिया था। सो दाल चावल खाए नहीं 1-2 दिन से, तो देखते अभी दाल चावल का ही सोच रही मैं, तो दाल चावल बनाते हैं। बाकी देखते अभी ये क्या बोलते हैं दोनों, क्या खाएंगे, सो वो बनाएंगे अभी। तब तक आपको दिखाती हूँ कि बाहर क्या क्या काम हो गया है। बस मैंने बता ही दिया है क्या क्या हो गया है, बट आप एक बार देख लो कितना काम हो गया है बाहर। बाकी अभी कितने दिन और लगने हैं कुछ पता नहीं है। दाल चावल ही बना रहे हैं, तो दाल बन चुकी है, बस थोड़ा सा रह गया है, वैसे तो बनी ही है। तो दाल बन चुकी है और जो चावल रखे हुए हैं, चावल अभी रखे हैं, तो अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा इनको बनने में। ये जो भी हम सब्जियां लेके आए थे ना, ये भी हमें मतलब वॉश करनी है, वॉश नहीं करी है ये तो नहीं करेंगे, बट ये अब इनको वॉश करना है अच्छे से। सो ये वॉश करना है, पानी वगैरह भरा, सो काफ़ी टाइम लग गया था। सो भी टाइम हो गया है, 10:30 बज चुके हैं और डिनर हो गया हमारा। सो मैं थोड़ा सा बाहर घूम रही थी, अभी मुझे ये सब ब्लॉग वगैरह करके अंदर जाना है। सो बाहर घूम रही हूँ, मन तो कर रहा है बाहर घूमने का, बट अच्छा नहीं लग रहा बिल्कुल भी, क्योंकि बहुत ज़्यादा गंदा हो रखा है नीचे। इस साइड को तो सही है, बट उधर बहुत ही गंदा हो रखा है, मतलब कितना भी साफ करो धूल मिट्टी वैसी हो ही रही है। सो अभी तो बाहर तो साफ़ नहीं किया, क्योंकि बाहर तो ऐसे रहेगा, रेत रेत सी हो गई पूरे उस पर। सो जब अच्छे से हो जाएगा, अभी इस साइड को रह गया है। सो इधर शायद दीवारें भी करेंगे शायद से, और नीचे भी है, नीचे भी रह गया है, तो वो वाला रह गया है। सो अभी वो करने में पता नहीं 1-2 दिन उसमें लगेंगे, अभी टाइम तो बहुत लगने वाला है इन कामों में। सो मतलब पूरा ऐसे रखा है मिट्टी मिट्टी से, अंदर भी ऐसे हो जाता है, दिन भर सुबह क्लीनिंग वगैरह करते हैं उसके बाद फिर वैसे हो जाता है इधर ये। सो जब एक बार पूरा अच्छे से हो जाएगा ना, उसके बाद इसको पूरा अच्छे से धोना पड़ेगा पूरा, नहीं तो इतनी ज़्यादा मिट्टी इतना ज़्यादा गंदा हो रखा है, और अभी साफ़ करके कोई फ़ायदा भी नहीं है, क्योंकि कल फिर काम करेंगे फिर वैसे हो जाएगा, तो अभी सफाई करके कोई फ़ायदा नहीं है, इसलिए अभी कर भी नहीं रहे बाहर, बस अंदर कर लेते हैं। 2-3 बार झाड़ू लगता है, झाड़ू से ही सही हो जाता है, नहीं तो मतलब वही पैरों में ना रेत रेत सी लगी रहती है, अंदर बाहर करते हैं टाइम ऐसे हो जाता है, रेत रेत सी होती रहती है। सो भी बस यही चल रहा है, सो भी आजकल तो यही चल रहा है काम वाम। गेट का भी हो गया है आज पूरा, भी बस वो रह गया है, सो वो देखते हैं कब तक करते हैं वो। और बाकी इस ब्लॉग का यहीं पे मैं एंड कर रही हूँ, मिलूँगी आपसे एक और नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।